मियां जी की हेल्प के बगैर समझ लिया। ये जो मुल्क होता है ना एसपी साहब, उसकी सारी इज्जत उसी करेंसी की कीमत पर डिपेंड करती है और करेंसी की कीमत डिपेंड करती है मुल्क वालों पर। जब हम डट जाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है और जब हम गिर जाते हैं तो कीमत गिर जाती है। लुबना अमीर भी मेरी तरह है बेवफा। मिनिस्टर साहब ने मुशीर लगवाया तो मोहब्बत कर ली उससे। दस वो तो मियाँ जी ने भड़का दिया उसको, वरना आप भड़क गई होती। कहाँ है लुबना हमीद? बिस्किट नहीं खाया आपने? खाऊंगा। खा के जाना और जब तक बैठे हो लुबना हमीद की बात ना करना। वादा करता हूं मियाँ जी कि पहली पेशी पर लुबना हमीद की बेल हो जाएगी और बेल के दौरान ही बरी हो जाएगी वो। जा पुत्री, चल अब मुझे भी ले जा। अब भी यकीन नहीं आया मियाँ जी? यकीन ही तो आ गया कमीने हैं। प्रैक्टिस कर ली है मैंने। जीत जाओगे तो समझो फिर जीत जाओगे। जीत गया हूं मैं, अब खेलने की जरूरत नहीं है। लुबना हमीद से मिलो और कहो कि कल पेश हो जाए। खोल पुत्री। आर यू श्योर? नहीं, घर से सड़क तक इसी तरह हाथ पकड़ कर लाया वो मुझे। फिर रिक्शे पे बिठा के जफरी का फोन दिया मुझे।
अब बोला नंबर फीट है इसमें, पहुंच कर बैल देना मुझे, पहुंच जाओ तो एक बैल और ना पहुंचा तो मुसलसल। हंसी आ रही तुम्हें? और मेरे दिल में आया था कि पूछ लूं कि मेरा हाथ क्यों पकड़ा था उसने। अच्छा किया नहीं पूछा। क्यों? आप सोचे ना, आप क्या कहती अगर वो पूछ लेता कि हाथ छुड़ाया क्यों नहीं, वैसे छुड़ाया क्यों नहीं? गुस्सा आ गया होगा ना कि हाथ पकड़ने में इतनी देर क्यों कर दी। बकवास ना करो कौसर। अब की बार सामने आए तो जकी अहमद से मोहब्बत करने पे माफी मांग लेना उससे। ये मत कहना क्यों, बल्कि दुआ करना कि माफ कर दे वो आपको। मैं क्यों माफी मांगू उससे? पहल उसने की थी, तूबा से मंगनी कर ली थी उसने। तूबा चली गई है। क्या मतलब, कहाँ चली गई वो? पता नहीं कहाँ, पर चली गई है वो। कुछ दिन उसके दिल के पास रही है तो उसने देख लिया होगा कि दिल में कोई और है उसके। डर गई होगी कि 15 साल तो कोई किराएदार भी घर में रहे तो लगता है घर उसी का है। रुको कौसर, वो चली गई है तो मतलब अब नहीं आएगी क्या? छोड़कर चली गई है, घर मोहल्ला परी पैकर सब कुछ छोड़कर चली गई है। लिखा तो यही है उसने, और लिखकर चली गई है तो मतलब जुबान की पक्की है ना वो। थप्पड़ मार के गई है मेरे मुंह पर। अब कैसे थप्पड़ मार गई है वो? तुम नहीं समझोगी, पहले परी पैकर से मंगनी का नाटक किया, 4 दिन चढ़ाया मुझे, जहां मौका मिला मेरी इंसल्ट की, पकड़कर मुझसे बात भी की, और फिर लुटा पुटा परी पैकर मेरे रस्ते में फेंक कर चली गई। तो हिसाब लगा के देखो ना, थप्पड़ी तो मारा उसने मेरे मुंह पर, कमी नहीं। देखना, ढूंढ कर लाऊंगी उसको, असली वाला थप्पड़ मारूंगी उसे और कहूंगी संभाल अपना परी पैकर। चीज चाहे मेरी पसंद की क्यों ना हो, हाथ से गिर जाए ना तो उठा कर नहीं खाती। लुबना हमीद नाम है मेरा। मेरा नाम भी बिल्कीस है मारुख। ऐसा तिगनी का नाश न चाहूंगी तेरे अब्बा जी को। देखना कल से हांडी भी आप ही पकाएगा। अम्मा वो आ गई है। आए जाए मरे, तुमने मुझे मरे कहा? यू यू के आगे भी बोल फिड़े मुंह तेरा। लुक लुक बिल्कीस, आई एम नॉट योर टाइप। मैं जरा और तरह की लड़की हूं। अगे आई ना तो जुत्ती उठा के तेरे मुंह पे मारूंगी। उसके भरोसे पे पंगा ना नहीं मुझसे, मर्दों जैसी छब है उसकी, मर्द वो टकेगा नहीं है। डोंट लाफ वरना इतना रुलाऊंगी कि यू विल रिमेम्बर मी ऑलवेज। अब और कितना रुलाओगी मेम साहब, मौका मिला है उसे, हंसने दे। जा काम कर अपना। क्यों अपना? ठहर, कहां जा रही है?
Not your business. क्या कह रही है? पता नहीं क्या कह रही है, या फिर कह रही है कि अपने काम से काम रखो। मैं अपने काम से काम ही रखती हूँ। ये नंगी टांगे लेकर बाहर ना निकलना, कोई रोक लेगा या कोई छेड़ देगा, और छेड़ने से नहीं डरती ना तो रोकने से डरो। वो दूल्हा साहब आएंगे ना, उसके साथ निकलना बाहर। नो योर बिजनेस। ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट। हाय हाय, बट यू नो ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट, व्हाई? वो असल में तली हुई फिश ले रहा था, वो तलने में देर हो गई। फिश? ओह माय गॉड, फिश इज माय फेवरेट। ये कह रही थी कि मैं जूती उतार के मारूंगी तुम्हारे मुंह पर, और ये भी कह रही थी कि आए जाए मरे। तुम ऊपर जाओ, मैं इससे बात करता हूं। नो, टॉक इन फ्रंट ऑफ मी। ये तुम ठीक नहीं कर रही बल्कीस। ऊपर जाओ दूल्हा साहब, मछली ठंडी हो जाएगी। अभी तुम चलो, देखना मैं शाम को करता क्या हूं। खबर मिली है तुझे? शेख साहब ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी को बिल्किस चाची के सिर पे ला के रखा है। वो ऊपर खिड़की वाले कमरे में, और तुझे क्या? तू तो अब डिस्कनेक्टेड है ना मेरे बादशाह, उस पे क्या गुजरती है तेरी बला से? बताऊं तुझे मुझ पे क्या गुजरती है? अब तुझे कसम है, बैठ और देख। फिर आ गया कमीने, चल फुट। देखता नहीं शेख साहब घर पे? शेख साहब से ही तो मिलने आया हूँ। तेरे मामा जी लगते हैं शेख साहब, क्यों मिलना है उनसे? सुना है दूसरी शादी कर ली उन्होंने। इस बात से तुझे फर्क पड़ा है या मुझे? ऊपर वाले कमरे में ला के रखा है उसे, इस बात से फर्क पड़ता है मुझे। वो मारोह का कमरा है। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया, खून पी जाऊंगी तेरा। How strange. अभी कोई औरत कितना बोल रही थी, और अब देखो कितनी खामोशी हो गई है। चलो तुम खाओ ना। अच्छी है। आए हाय, गोली नहीं है, पट्टा है। पट्टा?
ले मेरे बादशाह पी, समझ के वर्ल्ड कप जीत गया। पी ना, कप दे रहा हूं तुझे। मोहल्ले के सब कुत्ते कमीने इसी चौक पर आकर बैठते हैं, मेरी खिड़की पे पत्थर मारा। रुक जाओ शेख साहब, आगे कुत्ते कमीनों का नाका है मेरे बादशाह। अगर ना रुकूं तो क्या करोगे? रुक तो गए हो शेख साहब, अब क्या करूंगा? 1500 का नुकसान है, पूरा कर दूंगा। ये लो पूरे 1500। ये हुई ना बात, अपना बच्चा है, क्या हुआ तो शीशा तोड़ दिया? तू बोतल पी मेरे बादशाह, उसे को चिल कर। वैसे भाई दी वे मुकम्मल शेख साहब हो ना, मेरा मतलब है शेख फरमान। गुस्सा देखा तो पहचान लिया मैंने, पर ना लगता है शेख साहब के यंगर ब्रदर हो। ये कौन है शेख साहब? पाजी के चाची। चाची है तो तारफ कराओ, बताओ क्या भतीजा है तुम्हारा? जाने मन जाने जिगर परी पाकर। हेलो, आप तो सचमुच शेख साहब है मेरे बादशाह, जेन्युइन 100%। अब फौरन चले जाओ प्लीज, मियाँ जी हवालात में है और मुझे अब रोकने वाला भी कोई नहीं। अब चले भी जाओ शेख साहब, गुस्सा मेरे नक पे चढ़ गया, बेअदबी हो जाएगी मुझसे। थैंक यू चाचा जी। सलाम चाची। लेन देन के पक्के हैं शेख साहब, मिनट में हिसाब बराबर करते हैं। हाय जानू, आप तो बड़े ब्रेव हो, स्लैप करके मुंह तोड़ दिया उसका। परीपे का नाम है ना उसका? नाम किसने बताया था? देखो जानू, मोहल्ले में रहो तो कुत्ते कमीनों के नाम तो पता करके रखने चाहिए ना। बट थप्पड़ खा के क्या कह रहा था? माफी मांग रहा था कमीना। पत्थर क्यों मारा था उसने? पत्थर उसने मारा था जो पीछे बैठा बोतल पी रहा था। हाउ स्ट्रेंज, पत्थर किसी ने मारा और थप्पड़ किसी को मार दिया। तुम इन बातों को रहने दो, बस अब तुम खिड़की खोलकर बाहर नहीं देखा करो। वो तो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है, पता है लुक्स करा रहा था मुझे,
कौन? वही वो जो उस दिन कह नहीं रहा था, चाची जी सलाम। मर जाएगा मेरे हाथ से, कनपटी पे गोली मारूंगा, आंखें निकाल लूंगा मैं उस कमीने की। और चिल करो ना जानू, अब तो उसने माफी भी मांग ली है। वैसे जो बोतल पी रहा था उसने पत्थर क्यों मारा? कुछ तो है ना जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़का भी ठीक नहीं, मारुख के पीछे पड़ा। और मारुख? मारुख ही लाई करती है उसको। हाँ भाग गई थी उसके साथ। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आई। देखो चान, तुम ऐसी बातें मत पूछो मुझसे, मुझे बहुत दुख हो, खुदा की कसम मैं बहुत दुख। मेरा बेबू बहुत दुख। देख मेरे बादशाह, अब शेख साहब का शीशा ना तोड़ना। आज तो थप्पड़ खा के सॉरी कह दिया था मैंने, कल नहीं कहूंगा। सॉरी कहा तुमने? नहीं मैंने तो सुना। कंसन ने कहा था मेरे बादशाह, ऊपर से चाची देख रही है, नीचे मोहल्ले वाले देख रहे थे। सॉरी के अलावा कुछ और कहता तो शेख साहब ने रख के देना था एक और। क्यों कहा? किसने कहा था सॉरी बोलने को? और एक बात मेरी याद रखना पड़ी पैकर, अब मैं शीशा नहीं तोड़ूंगा, दरवाजा तोड़ूंगा उसका, घर के अंदर घुसूंगा, हाथ पकड़कर पास बिठाऊंगा मारुख को और उसके सामने बात करूंगा। कब? मेरा मतलब है किस दिन? यहां बैठ। देख मेरे बादशाह, उसूली तौर पे तो हम दोनों पर मोहब्बत जायज नहीं है। तुमने दो दफा बेवफाई की है, मतलब दो बार फेल। मोहब्बत में दो बार सपली आ जाए तो फिर आशिक को मस्ट अपियर होना पड़ता है। इधर अपना भी यही हाल है, बेवफाई मुझसे भी हुई है, हालांकि मेरे केस में तो मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी। वो तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, लेकिन फिर भी सोचता हूं मोहब्बत में अपनी हाँ काफी होती है, अगला चाहे हाँ करे ना करे। तो मतलब एक तरह से मेरी भी सपली आ गई है, मैं भी फेल हो गया हूं। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बेवफाई नहीं की। वेट करने को कहा है ना, लड़की जब घर वालों को छोड़कर तुम्हारे घर पहुंच गई थी फिर उसको वेट करने के लिए वापस उसके घर भेज देना, बेवफाई की आखिरी स्टेज है मेरे बादशाह, है कि नहीं? तेरी कसम है सुना अमीद, एन मंगनी के दिन भी आकर कहती ना चल परी पैकर ले जा मुझे, तो मैं गवर्नमेंट की बात भी ना सुनता, ले जाता उसे, तीन मिनट में निकाह करता और मियाजी से आकर सॉरी कर लेता,
सॉरी मियां जी, आपको बताने का टाइम ही नहीं था। तुम निकाह करके भी कह सकते थे कि अब वेट करो। हर दफा बेवफाई कर लेते हो और कहते हो नहीं की। बात तो तेरी ठीक है बरी पेकर, मियां जी तेरा जवाब सुनते ना तो कहते पिटमू तेरा। दस हाय। हाय, कैसे हो जलाली साहब? आई एम फाइन बट सिचुएशन इज नॉट फाइन। मियां जी से जाकर मिलो, अर्जेंट। सब ठीक तो है ना जलाली साहब? ठीक हो गया तो ठीक है, वरना ठीक नहीं। गो एंड मीट हिम। एंड आई आल्सो वेटिंग फॉर यू।